मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इम्पोर्टेंट सब ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहे हैं और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऐसा रहता है अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जिस कंपनी में बढ़िया रहता है उस मिल में कभी लेबर सेटेज वगैरह नहीं रहता और यूटिलाइजेशन पूरा आता है वो मिल परफेक्ट चलता है अगर ट्रेनिंग सेंटर कहीं कमज़ोर होता है तो वो दिक्कत जाता है कोई कोई मिल भी मैंने देखा वो ट्रेनिंग लेते ही नहीं बोलते ट्रेनिंग क्यों लेंगे इनको सिखाने के लिए भी पैसा देंगे क्या फ़ायदा ट्रेनिंग लेने से अपने जितना आदमी चाहिए स्किल्ड आदमी चाहिए अरे भाई स्किल्ड कहाँ से आएगा स्किल्ड कोई फायदा थोड़ी होता है ट्रेनिंग लोग लेंगे इनको ट्रेंड करेंगे तब जाके वही स्किल्ड बनेंगे और जो ट्रेनिंग नहीं लेता उसका पॉलिसी जो होता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है वो आगे के आगे के फ्यूचर में वो मिल बंद हो जाता है क्योंकि पुराना पुराना लोग जैसे उम्र हो जाता है रिटायर्ड हो जाता है या अगर लेडीज़ वर्कर भर्ती कर रखो शादी हो जाता है चले जाते हैं तो उस टाइम में उसको या शादी ब्याह के त्यौहार के टाइम होली दिवाली जो अच्छा अच्छा फेस्टिवल है उस टाइम में भी ट्रेनिंग लोग का बहुत काम आता है तो ट्रेनिंग लोग खाली भर देने से नहीं होता है उन, उनके लिए देखो आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ फर्स्ट स्टेज जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग जो घर से आता है इनको एक किताब कॉपी दे दो मेल का बारे में बताओ ऑफिसर कौन है तुम्हारा इंचार्ज कौन है और सारी ज्ञान दो और क्लास रूम में पूरा पढ़ाओ इनको सात दिन तक डिपार्टमेंट में एक राउंड मार देना और इनको बैठा के पढ़ाना और सात दिन के बाद ही इसको साइड पे लड़ा कंपनी में लड़ा फिर सेकंड स्टेज हो गया ट्वेंटी सिक्स डेज समझ लो अपने ट्रेनिंग को अपने पगार दिया एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपने तीन सौ रुपये पर डे दिया फर्स्ट तो इसको क्या करना सेकेंड स्टेज जब आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स डेज तो इसको जूनियर ट्रेनिंग बना दो बोलो ट्रेनिंग से क्लासरूम ट्रेनिंग से जूनियर ट्रेनिंग बढ़ा दो और इसको तीन सौ बीस रुपये एग्जाम्पल बढ़ा दो इसको बीस रुपये बढ़ा दो फिर थर्ड स्टेज आएगा फिफ्टी टू डेज उसमें इसको सीनियर ट्रेनिंग बढ़ा दो सीनियर ट्रेनिंग बढ़ा के इसको तीन सौ पचास कर दो मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ तीन सौ पचास पर डे मतलब आठ घंटे का ड्यूटी उसके बाद लास्ट स्टेज जो आएगा उनका कैलिबर के हिसाब से 80 दिन से 90 दिन के अंदर बिल्कुल स्किल्ड कारीगर हो जाना चाहिए इनको 450 या 400 जो भी रेट है वो आप दे दीजिए स्किल्ड हो जाएगा जब अगर आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहोगे ना इसका पैसा तब तो वो लड़का स्किल्ड होने तक इंतज़ार करेगा सब बोल आपने तीन में भर्ती किया सोचेगा यही तीन सो में खींच लूँ तीन महीना तक फिर जाके चार्ज से कर देंगे इसको लालच देंगे तो वो कभी सीख नहीं पाएंगे इसमें क्या इनको इंटरेस्ट होगा कि भाई हमको जल्दी सीखना है अपना पैसा बढ़ेगा हम जल्दी सीखेंगे तो अपना काम चलेगा तो ये बहुत जरूरी है इसलिए देखो ब्लोरम कार्डिंग में जब ट्रेनिंग भर्ती होते हैं वो ढाई महीना में सीख जाते हैं मिक्सी में भर्ती लोग पंद्रह दिन बीस दिन में सीख जाएगा ड्रॉप एम सिम्प्लेस में भी ढाई महीना मतलब पीपर ट्रिम में ढाई महीना बहुत हो जाता है रिम फ्रेम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तीन महीना लगता है और ऑटो क्रम में दो महीना में सीख जाएगा पैकिंग में एक महीना में और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल में तीन महीना ये होता है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ट्रेनिंग मतलब एक स्किल्ड ऑपरेटर होने के लिए इतना दिन का इनको स्टैंडर्ड चाहिए तब जाकर वो ट्रेंड हो जाते हैं और टू डेवलप ऑब्जेक्टिव क्या देखो टू डेवलप ट्रेनिज इन टाइम सबसे सही तरीका होता है इनको समय पर ट्रेंड करना खाली ट्रेनिंग भर दो सौ दो सौ कोई काम नहीं आता अगर इनको टाइम पर ट्रेंड नहीं करोगी तो कोई काम नहीं आएगा तो दिस एक्सपेंसेस नॉट ए बर्डन फॉर कंपनी ये कंपनी के लिए कोई बर्डन नहीं है जैसे अपन समझ लो खेत पे अनाज के लिए अपन सीड डालते वो सीड के बराबर है अगर आप सीड खरीद के नहीं डालोगे तब तो वो कैसे फल देगा आपको आगे तो उसको ऐसे ही सोच के अपन शुरुआत में जो एक्सपेंसेस होता है ये आगे के लिए बहुत फ़ायदा होता है तो कभी कोई मिल इसको ना समझे इनका पीछे जो खर्चा होता है अपनी कंपनी का बर्डन हो जाता है या एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है टू तो गिव प्रमोशंस स्टेप वाइज वो बताए आपको जो सात दिन में छब्बीस दिन में बावन दिन में जो अलग अलग जो बताया आपको उस हिसाब से स्टेप वाइज प्रम, इनको प्रमोशन देना चेक स्किलनेस वीकली रेकर्ड ऑन रजिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समोला अपने रिम फ्रेम का ट्रेनिंग भर्ती किया ठीक है रजिस्टर में सब ट्रेनी का नाम लिखना एक दो तीन चार ऐसे करके लिखना तो इस पे ऐसे कलम खींच लेना ऐसे देखो समझ तो लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया मतलब कब ज्वाइन किया था तो आफ्टर सेवन डेज आफ्टर फिफ्टीन डेज आफ्टर ट्वेंटी टू डेज आफ्टर अटैस डेज ऐसे ही हर स्टेज में इनका परफॉर्मेंस चेक करो परफॉर्मेंस मतलब कितना धागा लगा कितना गेटिंग मारा मशीन का पार्ट का नाम जानता है क्या मशीन बंद चालू का सीखा क्या वो सारी चीज़ मतलब यहाँ रेकर्ड करके रखिए अगर कोई लड़का ऐसे जैसे सीरियल नंबर आप पचास तक ट्रेनिंग का नाम डाल दिया तो इसको अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखोगे, तो आप जान नहीं पाओगे ट्रेनिंग डेवलप कर रहा है या कमज़ोर हो रहा है और समझ लो इस पर कोई ट्रेनिंग आप देखा कि जो टाइम के हिसाब से डेवलप नहीं किया उसका हो सकता है मन नहीं लग रहा होगा उसको दूसरा डिपार्टमेंट में देना है तो ये इनिशियल स्टेज में इसको चेंज कर देना ऐसे नहीं कि अपन दो तीन महीना तक इसको खींच लिए बोला अरे तेरे से काम नहीं होता तो दूसरा डिपार्टमेंट चले जा ऐसे कभी नहीं करना शुरू शुरू में इनसे बात करते रहना बाबू यहाँ पे तुमको अच्छा लगता है क्या ये डिपार्टमेंट ठीक है क्या या कोई दूसरा डिपार्टमेंट चाहिए तो बोलो तो इनको उस हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर आप इनको टाइमली चेकिंग नहीं करोगे ना क्या क्या इसका काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और ट्रेनिंग मास्टर जो होता है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो जैसे एक बागान का ये माली जैसा रहता है मतलब जैसे गार्डनर जैसा रहता है जैसे पानी देगा जैसे मतलब सब कुछ व्यवस्थित रखेगा साफ सफाई रखेगा आ उसी हिसाब से ऐसे पौधे बढ़ता है ऐसे ट्रेनिंग डेवलप होते हैं वो ट्रेनिंग मास्टर जो होता है इसीलिए आज की डेट पर टेक्निकल आदमी रखते हैं जिसको टेक्निकल चीज़ भी आइडिया होगा वो अच्छा Uh, मीठा बोलना चाहिए ट्रेनिंग जो मास्टर होता है इसका बोली बिल्कुल हार नहीं होना चाहिए बिल्कुल प्यार से बात करे बढ़िया से बात करे तब ट्रेनिंग टिकेंगे ये हो गया स्किलनेस चेक करना इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम से आपको बताया था जैसे कोई त्यौहार का टाइम आया होली आया दिवाली आ दिवाल पब्लिक हॉलीडे आ गया तो उस टाइम क्या करेंगे जैसे अपना समझ लो जूनियर ट्रेनिंग है छब्बीस दिन वाला ठीक है अगर आदमी कम है तो तीन जूनियर ट्रेनिंग इज इक्वल टू वन स्किल्ड या दो सीनियर ट्रेनिंग इज इक्वल टू वन स्किल्ड इस हिसाब से आप एडजस्ट करके पूरा मिल चला सकते हो अगर आपके इस हिसाब से रखोगे देखो ये सब गिनती में आ गए तीन जूनियर ट्रेनी एक स्किल्ड हो गया दो सीनियर ट्रेनी एक स्किल्ड हो गया तो उसमें क्या मैन पावर की बचत होगा और ये लोग भी इंटरेस्ट लेंगे भाई हमको कुछ सेपरेट काम दिए बड़ा बना, मन मन लगाए काम करते अगर आप सेपरेट काम कुछ दे दे तो एक मोटिवेशनल क्लास फॉर ए गुड वर्क कल्चर गुड वर्क कल्चर मतलब देखो जो वर्क कल्चर मतलब खराब चीज़ नहीं सीखना खराब चीज़ मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल जो ड्राइंग सिंपल इसमें पीसिंग बराबर करना और रिम फ्रेम में लपेटा नहीं मारना गेटिंग नहीं मारना मशीन का सफाई रखना ये सब अच्छा चीज़ सिखाने का उसके लिए इनको पूरा क्लास रूम में बिठा के आधा आधा घंटा क्लास लेके इनको वर्क कल्चर के बारे में समझाना चाहिए टू कोप विथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस समझ लो आपकी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपकी एल आर सिक्स का रिम फ्रेम है ठीक है मैनेजमेंट बोला इसको हटाओ ये रिम फ्रेम हटाओ एल आर नाइन ले लो ठीक है और ये समझ लो कुछ साल चला बोलेगा इसको हटा इसको ऑटोट्रफिंग वाला ले लो ठीक है ऑटो तो ट्रफिंग रिम फ्रेम ले लो ठीक है अगर इस तरह चेंजिंग होता रहेगा तो ट्रेनिंग लोग को उसके हिसाब से अकोमोडेट करना मतलब उनको समझाना कि ये मशीन में ये था इसमें ये आ गया इसको ध्यान रखो इसको पूरा ट्रेंड करना पड़ेगा उसी हिसाब से तो कभी कभी तो अब देख रहा ट्रेनिंग लोग जो हम लेते हैं ना कभी कभी इनको मल्टी स्किल्ड बना देते हैं मल्टी स्किल्ड मतलब तीन महीना समझ लो पीपाटर में काम किया कुछ दिन रिंग में सिखा देंगे मतलब इनको रिटर्न नहीं करते थे इनको सम्भ लो रिटर्न हो है तो रिंग में लगा दो रिंग में सीख जाएगा ऑटो ऑटोक्रोट सीख जाएगा वो आगे चल के बहुत काम आता है और मल्टी स्किल्ड वर्कर जो बन जाता 10 है ना इसको दस रुपया कंपनी एक्स्ट्रा देता है क्योंकि वो हर जगह मास्टरी रहता है उसके तो ट्रेनिंग को कभी वापस नहीं करना रिटर्न नहीं करना ट्राई मिले ट्रेंड देम टू फिल वैकेंसी इन कंपनी अगर आपकी ट्रेनिंग लोग अगर बराबर ट्रेनिंग दे दिया और इनको स्किल्ड पोजिशन में ले आए तो आपकी जो रिटायरमेंट होता है या कोई मतलब लेडीज लोग शादी ब्याह करके छोड़ दिया तो जागा खाली होता है उसमें ये लोग को भर्ती कर देने फॉर एग्जांपल आपको पता तो साउथ में एक दो मिल ऐसा भी है वो देखो उसका क्या सिस्टम है और ट्रेनिंग लेता है वो जैसे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेता है तो समझ लो कोई मतलब लड़की कारीगर का ट्रेनिंग लिया गाल लिया तो वो क्या करता है पता है उसका पगार से समझ हज़ार रुपये पर मंथ काट कर रखेगा हजार हज़ार रुपये पर मंथ काट कर रखेगा बारह साल में बारह महीने में कितना हो गया बारह हजार ठीक है थीके? वो समझ लो उसने आठ साल काम किया तो कितना हो गया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो ये जो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड हुआ उसका जब से वो जमा किया उसका इंटरेस्ट के साथ समझ लो इसका लम्सम एक लाख बीस पच्चीस हज़ार आ जाएगा तो उसका शादी ब्याह के लिए बढ़ा के दे देता है कितना बढ़िया सिस्टम देखो एक लड़की भर्ती किया आठ साल काम किया उसको पगार के अलावा एक लाख पच्चीस हज़ार दिया इसका इंटरेस्ट के साथ दिया उसने तो उसमें क्या होता है ट्रेनिंग रिटेंशन के लिए बढ़िया होता है ट्रेनिंग लोग आराम से टिक जाते हैं कि आगे का सोचते देखो मेरा परिवार में पैसा की दिक्कत है मेरा शादी के लिए कंपनी इतना सोचता है तो क्यों ना काम करूँ वो आराम से खुश होकर काम करता है ऐसा भी सिस्टम है कहीं कहीं और देखिए अवेयरनेस मीटिंग टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स टोल्ड देम सेफ्टी रूल्स सेफ्टी रूल बताना चाहिए कैसे कैसे एक्सीडेंट नहीं होगा वो भी इनको सिखाना चाहिए और इसीलिए आपने अपना देखो जैसे कोई मशीन लगाते ना सबसे पहले वो जापानी लोग क्या करते मालूम है जैसे एक मशीन का एक लाल बटन है ये स्टॉप बटन है और एक जो रहता है और ब्लू बटन रहता है मतलब या ग्रीन बटन रहता है चालू करने के लिए चालू करने के लिए ये ब्लू बटन रहता है रन के लिए तो जापानी लोग यहाँ लिख देते हैं बिफोर स्टार्ट द मशीन नो हाउ टू स्टॉप इट मतलब ये ब्लू वाला बटन दबा कर इनको सिखाना नहीं पहले पहले सिखाना ये बंद कैसे किया जाएगा स्टॉप कैसे किया जाएगा वो होता है सेफ्टी रूल समझ लो आपने चालू करना सिखा दिया किसी को और वो बंद करना नहीं आता तो कोई दिक्कत हो गया तो बंद नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो ये बड़ा सेफ्टी रूल का चीज़ बताना पड़ेगा इनको टू मोटिवेट देम हाउ टू फाइट विथ फायर समझ लो कोई आग लगा कुछ दिक्कत गया इनको सिखाने का कैसे कैसे फायर फाइटिंग करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा आपके फायर एक्सीडेंट कम होगा मोटिवेट देम हाउ टू बिहेव को वर्कर्स या स्टाफ सर मैनेजमेंट देखिए काम तो सब करने आते जैसे वर्कर वर्कर के बीच में अच्छा वातावरण रहे एक दूसरे से हंस के बात करें मतलब कोई किसी का क्रिटिसाइज नहीं करे कोई कमज़ोर पड़ता है इसका मदद करे मैनेजमेंट में कोई बोलता है इसको ध्यान से सुने उनका बात का डिस ना करें ये सब चीज़ इनको सिखाना पड़ेगा तब जाके वो ट्रेनड हो जाएंगे उसके बाद देखिए टू नॉट एनगे ट्रेनिज ऑन ओवर टाइम ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप कभी भी मतलब ये करते हो ट्रेनिंग लोग को ड्यूटी में लगा तो इनको कभी भी आप लोग इनको ओवर टाइम के लिए नहीं बोला ओवर टाइम तब करना जब वो लोग सीनियर ट्रेनिंग हो जाएंगे कभी कभी चार घंटा दे देना लेकिन ट्रेनिंग टाइम ट्रे में इनको कभी भी आप ओवर टाइम नहीं करना करने के लिए बोला ओवर टाइम में लगा दोगे तो फेड़अप हो जाता है उनका खाने पीना ठीक नहीं रहता मतलब गांव से आए हुए रहते हैं खाना पीना ठीक है इसको डबल ड्यूटी दे दोगे तो नहीं कर पाए प्रोवाइड ड्रेस कोड और रिबन बैच कलर पर डिफरेंट कैटेगरी ट्रेनिंग लोग जो होता है जैसे खाते में घूमते हैं समझ लो आपकी रिम फ्रेम का ट्रेनिंग एग्जाम्पल बोल रहा हूँ रिम फ्रेम का ट्रेनिंग क्या होता है ब्लू कलर का ड्रेस दे दिया आपने ठीक है रिम फ्रेम का ट्रेनिंग ब्लू कलर ड्रेस दे दिया और समझ लो पिपर ट्री का ये आपने दे दिया येलो कलर का ड्रेस ठीक है और ऑटो कलर ऑटो कलर समझ लो आपने दे दिया रेड कलर का ड्रेस तीन कलर का ड्रेस दे दिया तीनों को तो ये लोग का क्या होगा ये जैसे ट्रेंड होते रहेंगे ना इनका जैसे समझ लो मतलब क्लास ट्रेनिंग उनका ये जेब के पास एक मतलब रिबन आता है ना रिबन लगा देने का जैसे क्लास ट्रेनिंग समझ लो आपने व्हाइट कलर दे दिया सबको वाइट कलर बैच लेगा ड्रेस के ऊपर फिर समझ लो छब्बीस दिन हो गया जूनियर ट्रेनिंग हो गया इसे समझ लो ब्लैक कलर का दे दिया उसके बाद समझ लो बावन दिन हो गया सीनियर ट्रेनिंग हो गया तो इसमें समझ लो आपने ग्रीन कलर का दे दिया एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ वो कारीगर हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मिल जाएगा जो यूनिफॉर्म आपके डिपार्टमेंट में है तो ये इजी फॉर आइडेंटिफिकेशन आप किसी को बुला के पूछना नहीं पड़ेगा भाई तू कौन सा डिपार्टमेंट का है तुम कौन सा स्टेज तक आ गया प्रमोशन कितना हो गया ये सब पूछना नहीं पड़ेगा उनका ड्रेस कोड से मालूम कर लेना क्या कैटेगरी में आते हैं डू नॉट हरास ट्रेनिज और डू नॉट आबीज एनी ट्रेनिज ये सबसे मतलब मतलब सेंटिमेंटल चीज़ है कोई भी ट्रेनिंग को आप लोग हरासमेंट नहीं करना अगर काम नहीं जानता इसको सिखाओ एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार सिखाओ और इसको कभी गाली नहीं देना मारपीट तो दूर की बात है गाली नहीं देना और ये अगर इनको प्रेम से रखेंगे यही लोग आगे चल के आपकी मिल चला कर देंगे और ट्रेनिंग वाला से आपको बहुत फ़ायदा होगा आप अगर इसको सही ढंग से हैंडल किया आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है यही पर मैं समाप्त करता हूँ थैंक यू